हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग ऑन यूनिट एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 9। हियर वी स्टडीड द इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन मेथड ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय अमोनिया सोडा प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट निर्माण की औद्योगिक विधि है ये, और इसे साल्वे की अमोनिया सोडा विधि कहते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने लीब्लांस प्रोसेस द्वारा सोडियम कार्बोनेट निर्माण का इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो पहले हम इसके प्रिंसिपल को विद केमिकल रिएक्शन बताएंगे, और उसके बाद डायग्राम की हेल्प से मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट निर्माण की इस विधि में प्रिंसिपल को तीन स्टेप में डिवाइड करेंगे, और उन तीनों स्टेप के क्राइटेरिया को केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से समझें। पहला स्टेप है कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन CO2 के संपर्क में लाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो यह इसे बाइकार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। रिएक्शन समझ लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और इसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें, CO2 प्रवाहित कर दें, तो ऑक्सीजन एडिट होने से कार्बोनेट बनेगा CO3 और यह कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट में NH4.HCO3, और इसे नॉमिनेट करेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन के बाद सेकेंड स्टेप में आए, और यहां इस प्रोडक्ट का रिएक्ट कराते हैं सोडियम क्लोराइड से, देन NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड NaCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. इट इज ऑल्सो नोन एज नौशादर इन इंडस्ट्रियल वे, एंड देन इट इज कन्वर्टेड ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहां इंटरचेंज हुआ, सोडियम क्लोराइड लिया था जिससे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, और अमोनियम बाइकार्बोनेट मेन रिएक्टेंट था जो कि पहले स्टेप से मिला था, और यह परिवर्तित कर देता है सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो यहां से टू स्टेप कंप्लीट हुए, पहले स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला और दूसरे स्टेप का प्रोडक्ट मिला अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, और यह हुआ आपका यहां मेन रिएक्टेंट सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक प्रकार का कन्वर्जन हुआ ये, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले इस कंपाउंड को कंप्लीट कर लिया था बेकिंग सोडा के फॉर्म में, देन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हीट करें तो ये है कन्वर्ट करेगा इसे कार्बोनेट में Na2CO3, जो कि इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होगा, और H2O तथा CO2 को सबस्ट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण द्वारा यहां सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। अब मैंने कहा कि लास्ट रिएक्शन कन्वर्जन होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसे केमिकल प्रॉपर्टीज में वहां पढ़ा था। तो क्या हुआ, बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा, यह सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो थ्री स्टेप में साल्वे की अमोनिया सोडा प्रोसेस द्वारा यहां इंडस्ट्रियल वे पर वृहद मात्रा में सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं। फाइनली वी गिव्स इट्स समरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अमोनियम बाइकार्बोनेट, देन अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सबस्ट्रैक्टेड अमोनियम क्लोराइड, देन अमोनियम बाइकार्बोनेट हीटेड एट हाई टेम्परेचर, देन फाइनली इट मेक्स सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन के बाद
डायग्राम का इंट्रोडक्शन करते हैं, डायग्राम के सभी पार्ट समझते हैं और प्रत्येक सेगमेंट में क्या क्या केमिकल चेंजेज होते हैं, क्या क्या सेगमेंट्स के रोल हैं, इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक स्टेप में जो भी केमिकल चेंजेज हो रहे हैं उन्हें केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से समझेंगे। तो आइए पहले स्टेप समझते हैं और डायग्राम के इन पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। देन फर्स्ट इज सैचुरेशन ऑफ ब्राइन फ्रॉम अमोनिया। ब्राइन को अमोनिया से संतृप्त करना। इस स्टेप के लिए यहां फिगर में सैचुरेटिंग टैंक है जहां ब्राइन सॉल्यूशन को पास आउट करते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन मैंने पहले ही आपको बताया था कि 10% सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसका ब्राइन सॉल्यूशन का यहां सैचुरेशन कराते हैं। देन सेकंड स्टेप कार्बोनेशन, जिसे कार्बोनेटीकरण कहते हैं और यह प्रोसेस कार्बोनेटिंग टावर में कंप्लीट किया जाएगा जिसे कार्बोनेटी स्तंभ भी कहते हैं। देन स्टेप थर्ड वैक्यूम फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन कराने के लिए यहां पर फिल्टर लगा होता है और इस फिल्टर की मदद से आफ्टर कार्बोनेटिंग प्रोसेस सबस्टेंस का फिल्ट्रेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। देन फोर्थ स्टेप इज नोन एज कैल्सिनेशन, या निस्तापन की क्रिया करते हैं। और देन नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज अमोनिया रिकवरी ट्रायल। यहां जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें से अमोनिया प्रोड्यूस होती है और इसे रिकवर करने के लिए अमोनिया रिकवरी टावर के रूप में अगला सेगमेंट होता है। देन लास्ट करते हैं लाइम क्लिंग, चूने का भट्टा, जो बीच में हम बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर कैल्सियम ऑक्साइड लाइम क्लिंग के रूप में उपस्थित होता है और यह आफ्टर रिएक्शन मेन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जाना जाने वाला सबस्टेंस होता है। तो इतने पार्ट में, इतने सेगमेंट्स में यह पूरा डायग्राम इंडस्ट्रियल वे को एक्सप्लेन करता है। अब एक एक सेगमेंट को लेते चलते हैं और यहां के केमिकल रिएक्शंस को विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे स्टेप फर्स्ट को, सैचुरेशन ऑफ ब्राइन फ्रॉम अमोनिया। इसे सैचुरेटिंग टैंक में कंप्लीट करते हैं और यह क्रिया इस इक्विपमेंट्स के जिस पार्ट में होती है इसे सैचुरेटिंग टैंक या संतृप्तकारी हौज कहते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सॉल्यूशन को भर लेते हैं और इस ब्राइन सॉल्यूशन को, जो कि अमोनिया गैस से पास आउट करा करके रिएक्ट कराने के लिए होता है, यहां जब अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो अमोनिकल टावर से जो अमोनिया प्राप्त हो रही है उसमें कुछ CO2 की भी प्रेजेंस रहती है और यह CO2 रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज को यहां से रिमूव कर देती है। तो अब इनके रिएक्शंस को समझते हैं कि क्या क्या इंप्योरिटीज हैं जो रिमूव की जाएंगी। इन द केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट अमोनिया, संतृप्तकारी हौज से प्राप्त अमोनिया H2O यानी वाटर जो कि ब्राइन पार्ट में उपस्थित है और CO2 पास आउट करने पर रिएक्ट करता है और इसे अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, NH4 का होल टेकन टू CO3। देन अमोनियम कार्बोनेट रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट PPG। यह कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेटेड करता है, अवक्षेपित करता है और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड अमोनियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट इंप्योरिटीज को प्रेसिपिटेट करता है, अशुद्धि के रूप में इन्हें प्रेसिपिटेटेड करता है और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, NH4Cl प्रोड्यूस करता है। नाउ सेकेंड स्टेप इज नोन एज कार्बोनेशन, कार्बोनेटीकरण। तो जब सैचुरेशन कंप्लीट कर लेते हैं
देन कार्बोनेटीकरण की तरफ आते हैं और ये क्रिया कार्बोनेटिंग टावर में कंप्लीट होती है जो कि सेगमेंटेटेड है और यहां पर अमोनिया और CO2 जो कि बैक सेगमेंट में प्रोड्यूस होते हैं वे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस समझते हैं। ये क्रिया जो कि कार्बोनेटिंग टावर में पूर्ण हो रही है, इसमें ऊपर की ओर से सैचुरेटिंग टावर से यहां ब्राइन पार्ट को गिराते हैं जो कि अमोनिया में होता है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शंस में कि प्रोडक्शन हुआ था NH4Cl का आफ्टर रिएक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस को यहां पर पास आउट करते हैं और जब गिराते हैं तो ये नीचे की ओर से लाइम क्लिन से प्राप्त CO2 के संपर्क में आता है, दोनों का रिएक्ट होता है और रिएक्ट करने से यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और फाइनली सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। आइए जानते हैं इन्हें केमिकल रिएक्शन से। तो रिएक्शंस में जाएं, देन फर्स्ट स्टेप है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन वाटर से रिएक्ट करके इसे अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है और अमोनियम कार्बोनेट CO2 और H2O के संपर्क में लाए जाने पर इसे अमोनियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित करता है, जबकि अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन से रिएक्ट करता है, NaCl से रिएक्ट करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, जबकि NH4Cl सबस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट के रूप में होता है। अब यह सोडियम बाइकार्बोनेट फाइनली सोडियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नाउ स्टेप थर्ड, वैक्यूम फिल्ट्रेशन, जिसे निर्वात निस्संदन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन दिस सेगमेंट नोन एज फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स। इन इट फाइनली वी फिल्ट्रेट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सो इट इज नोन एज फिल्ट्रेट सब्सटेंस। कार्बोनेटिंग स्तंभ से प्राप्त विलयन को निर्वात पंपों की सहायता से छान लिया जाता है और कम विलेय सोडियम बाइकार्बोनेट अवशेष के रूप में बचता है, और जबकि फिल्टरित विलयन में मेनली अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है। नाउ फोर्थ स्टेप इज नोन एज कैल्सिनेशन, इसे निस्तापन कहते हैं, और इस प्रोसेस में जो अमोनियम कार्बोनेट फिल्ट्रेट किया गया था NaHCO3, इसे हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं लाइम क्लीन में, देन सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है मेन प्रोडक्ट के रूप में, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से सबस्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। यह क्रिया उच्च ताप में होती है इसलिए इसे कैल्सिनेशन या निस्तापन कहते हैं। नाउ स्टेप नंबर 5 नेम्ड अमोनिया रिकवरी टावर, अमोनिया पुनः प्राप्ति स्तंभ। तो इस इक्विपमेंट्स का सबसे लास्ट पार्ट है आपका अमोनिया रिकवरी टावर। यहां क्या है कि इस लाइम क्लीन से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अर्थात जो बुझा चूना है उसका रिएक्ट कराते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन से प्राप्त सब्सटेंस से, और फाइनली रिएक्शन से अमोनिया प्रोड्यूस होती है जो अमोनिया रिकवरी के लिए वापस पुनः सैचुरेटिंग टैंक में भेजी जाती है। तो अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए या रिकवरी के लिए इस टावर का यहां यूज है। क्या रिएक्शन होगा जानते हैं रिएक्शन के माध्यम से। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि यहां लाइम क्लीन से प्राप्त होगा, और यह रिएक्ट करके इसे कैल्शियम क्लोराइड में विथ वाटर यानी पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और साथ में अमोनिया को गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। यह अमोनिया सैचुरेटिंग टैंक में वापस पुनः भेज दी जाती है, तो इस प्रकार इसे अमोनिया रिकवरी टावर कहते हैं। नाउ लास्ट स्टेप इज नोन एज लाइम क्लीन, चूने का भट्ठा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहां पर हम देख पाते हैं कि इस डायग्राम में यह सेगमेंट लाइम क्लीन कहलाता है और यहां कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करते हैं
देन ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग टावर में होने वाली रिएक्शंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अर्थात CO2 का जो प्रोडक्शन है वो कार्बोनेटिंग में होने वाले प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां प्रोड्यूस हुई CO2 इस कार्बोनेटिंग टावर को पास आउट करते हैं इस माध्यम से। तो यहां कैल्शियम कार्बोनेट को कोल के साथ में या कोक के साथ में जब हीट करते हैं, देन यहां से ड्राई लाइन CaO जो कि वापस वाटर से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके इसे स्लेग्ड लाइन में कन्वर्ट करता है, बुझे चूने में परिवर्तित कर देता है, और ये स्लेग्ड लाइन अमोनिया रिकवरी के लिए एज ए रिएक्टेंट यूज होता है। देन लाइम क्लीन रिएक्ट विथ कोक एंड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट इन दिस इक्विपमेंट्स। सो फाइनली इट प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस CO2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर कार्बोनेटिंग टावर। तो इस प्रकार से यहां हम CO2 को प्रोड्यूस कर लेते हैं और प्राप्त हुई CO2 से पुनः यह प्रोसेस कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है, और ब्राइन की अगर बृहद मात्रा उपस्थित कराते रहे हम इस पूरे इक्विपमेंट्स में, तो लगातार इस प्रोसेस के कंटिन्यू होने से, रिएक्शन के होते रहने से बृहद मात्रा में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो स्टेप्स क्लीन करें एक बार फिर से, सैचुरेटिंग टैंक में सैचुरेशन कराते हैं, देन फिल्ट्रेशन कराते हैं, कार्बोनेटिंग टावर में कार्बोनेशन कराते हैं, लाइम क्लीन से CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और अमोनिया रिकवरी टावर से अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं जो कि सैचुरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्टेंट होती है। जब आप इसे स्टेपली एक्सप्लेन करें तो जितने भी हमने सेगमेंट लिए 1 by 1 6 पार्ट में विथ केमिकल रिएक्शंस, आप इनको एक्सप्लेन करें, देन ये मेथड कंप्लीट होगा और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन से टू यू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। देन फर्स्ट यू गिव देयर प्रिंसिपल रिएक्शंस, सिद्धांत के समीकरण देंगे, और उन सिद्धांत समीकरणों के आधार पर आप यहां फिगर में उन्हीं स्टेप्स को क्लीन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो 6 स्टेप लिए हैं हमने, प्रत्येक का 1 by 1 आप मैकेनिज्म देते हुए इनके केमिकल रिएक्शंस लिखें, और देन इसके बाद इसके मेथड को विद रिएक्शन प्रूफ करें। सो स्टूडेंट्स, आज से यहां हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन के दोनों ही महत्वपूर्ण मेथड्स कंप्लीट किए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस था ली ब्लांक प्रोसेस, और सेकंड मेथड कंप्लीट किया साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। जानकारी कराऊं कि मोस्टली जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अकार्बनिक यौगिक हैं, जब हम उनका निर्माण औद्योगिक स्तर पर करते हैं, इंडस्ट्रियल वे पर करते हैं, तो किसी न किसी कैटलिस्ट के हेल्प में ये रिएक्शन पूरे कराए जाते हैं, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस के कारण रेट ऑफ रेपो रिएक्शन का इंक्रीज होता है और प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट का हाई हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि यहां सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में किसी भी प्रकार का कोई कैटलिस्ट उपयुक्त नहीं है और ना ही इसे प्रयोग किया गया।
ये एक ऐसा प्रोसेस है, सोडियम कार्बोनेट ऐसा कंपाउंड है जो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो अभी से हम लोगों ने फॉर्मेशन कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टीज की ओर जाएंगे जो कि कॉमन होंगे, चाहे लीब्लांस प्रोसेस से पूछा जाए क्वेश्चन में या साल्वे अमोनिया प्रोसेस से क्वेश्चन सबमिट करें। लॉन्ग क्वेश्चन से टू यू, गिव राइज द इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड गिव राइज देयर प्रॉपर्टीज विथ यूजेस। तो अगर आपको मेथड नहीं ओपन करता है क्वेश्चन में, केवल इंडस्ट्रियल मेथड कहता है, तो चाहे लीब्लांस प्रोसेस से फॉर्मेशन दिखाएं और चाहे साल्वे अमोनिया मेथड के द्वारा इसके फॉर्मेशन को करें। और डायग्राम दोनों के ही महत्वपूर्ण है, विथ डायग्राम ही इनके आंसर कंप्लीट करें। और केमिकल रिएक्शन लिखना बिल्कुल ही ना भूलें, केमिकल रिएक्शन अगर आप रॉन्ग लिखते हैं तो वहां पर फिगर देने पर भी वह आपका प्रिंसिपल सिद्धांत रॉन्ग ही माना जाएगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ही आपके राइट होने चाहिए, जिससे ये कंप्लीट हो जाए, ये पता चले कि जो रिएक्टेंट है वो आपके जो लिए गए हैं वो सही। तो इस क्वेश्चन के हम लोग लास्ट सेगमेंट की तरफ होंगे अगली क्लास में, जहां इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद फाइनली इसका यूजेस पढ़ेंगे, और देन यहां से आपका फर्स्ट ए यूनिट जो कि यस ब्लॉक का एक पहला सेक्शन पार्ट था, मैंने कहा था ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, तो फर्स्ट ए वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग जाएंगे अगले सेकेंड सेक्शन में जो कि एल्केलाइन अर्थ मेटल का होगा, सेकेंड ए ग्रुप स्टार्ट करेंगे, जहां क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति की विवेचना है और उनके कंपाउंड।